नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। चलिए आप लोगों के कुछ सवाल को मैं लेती हूँ, ठीक है, और देखती हूँ क्या क्या आप लोगों ने सवाल किया है। सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को इतना अच्छा प्यार दिया है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और इतने अच्छे लाइक्स किए हैं, उनको मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया, ठीक है। बस ऐसे ही अपना प्यार सम्मान बनाए रखें मेरे प्रति और मेरे चैनल को बस सपोर्ट करते रहें। और दूसरी चीज, कोई भी कमेंट हो, कोई भी जिज्ञासा हो आपकी ना, या फिर कुछ क्वेरी हो, जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। कई बार तो मैं यहाँ पे भी आपको दे देती हूँ जवाब, और कई बार आपके सवाल का मैं वीडियो ही बना देती हूँ। तो कभी भी सवाल पूछने से कभी भी हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल बेझिझक आप सवाल करें, मैं हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सबसे पहला सवाल, स्पोर्ट्स करियर में कुछ बताएं। देखिए, स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपके डिमांड पे कि देखिए, स्पोर्ट्स के लिए दो चीज देखना चाहिए। करियर देखना है ना, तो सबसे पहले मंगल देखना। देखिए, स्पोर्ट्स में क्या है ना, हम लोग फिजिकल रूप से इन्वॉल्व होते हैं, तो फिजिकली अगर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, इट मीन्स कि हमारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, हमारा फिजिकली बॉडी फिट होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मंगल देखेंगे। मंगल के बाद शुक्र, क्योंकि हमारा जो है ना भौतिक चीजों का भी शुक्र होता है, और नेम फेम लाइमलाइट करियर है ना, अगर आप मान लीजिए क्रिकेट ही खेलते हैं, वॉलीबॉल ही खेलते हैं, फुटबॉल, किसी प्रकार का खेल, थोड़ा लाइमलाइट में तो आते ही लोग, तो इसके लिए शुक्र जरूरी होता है, शुक्र के साथ सूर्य। अगर ये तीन ग्रह आपके मजबूत है ना कुंडली हाथ में, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए आप पर्सनल एनालिसिस करवा लीजिए, ज्यादा फीस है नहीं हमारी, तो आप पर्सनल एनालिसिस भी करवा सकते हैं, कुंडली और हाथ का बिल्कुल क्लियर हो जाता है किस ओर आपका करियर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, गुरु वलय गुरु पर्वत पर स्वास्तिक। देखिए, गुरु वलय जिसको कि रिंग ऑफ सोलोमन बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है, और ये होता है आपको गुरु माउंट पर स्वास्तिक होने का मतलब, स्वास्तिक का मतलब क्या, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होना। गणेश जी का आशीर्वाद जब आपके ऊपर प्राप्त होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, है ना, और आपके कोई भी कार्य में व्यवधान नहीं आएगा, विघ्न बाधा नहीं आएगा, सुख करता दुख हरता है ना, इनका नाम भी तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, तो बस यही होता है, इसलिए बस सुख ही सुख, कभी दुख के सामना नहीं करना पड़ता है। गुरु वलय धर्म कर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, बस ये लोग शादी करने से बचते हैं। रिंग सैटर्न शनि वलय है ना, अच्छा नहीं बोला गया, ये निगेटिव साइन है, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत ही जरूरी है। उपाय करने से पहले आप अपने हैंड को पाम को एनालिसिस जरूर करवाएं कि कहां से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब आपको कोई बोल दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसका तो पूरा डायग्नोसिस होता है ना कि कहां पे क्या है प्रॉब्लम, तो ये चीज आपको करवाना जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं कि इसका एकदम सटीक रेमेडीज क्या है। देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट है, किसी दिन कमेंट भी पढ़ूंगी अच्छे अच्छे। मंगल ग्रह में जाने वाली कौन सी लाइन, मंगल ग्रह पे जाने के लिए कौन सी लाइन नहीं चाहिए, मंगल ग्रह पे क्वालिफिकेशन चाहिए, आप क्वालिफिकेशन लाओ अपने अंदर, अपने आप चले जाओगे। देखिए कुछ व्यूअर्स ने लिखा, इनकी भी मैं जरूर कॉमेंट पढ़ूंगी, कि मेरे हाथ में ये साइन है लेकिन नहीं है ये सारी चीजें, है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, साइन है तो बिल्कुल होगा, नहीं है इट मीन्स कहीं ना कहीं आप गलत देख रहे हैं, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं बता क्या रही हूँ आपको, क्योंकि जब ये साइन है तो यही फल देगा। आम का पेड़ लगाया हो तो वहां से ना जामुन नहीं फलेगा, आम ही आएगा। मैंने ये साइन बताया है, तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, वो साइन का मतलब वही होता। मैंने साइन का मतलब बताया है, मैंने आपके हाथ का एनालिसिस नहीं किया है, और एनालिसिस करके आपका प्रेडिक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, है साइन तो वही फल देगा, नहीं दे रहा है तो आपको देखना है ना क्यों नहीं दे रहा है। मेरे बेटे के हाथ पे गुरु पर्वत पर स्वास्तिक है, बहुत अच्छी बात है। आई हैव वन काइट ऑन राइट हैंड ऑन सन माउंट फिंगर एंड लेफ्ट हैंड आई हैव फिश। अच्छी बात है। देखिए काइट और फिश साइन ये धन से और नेम फेम से रिलेटेड, यानी कि दौलत शौहरत दोनों मिलेगा आपको, बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो चीज होता है। देखिए आपने जैसे सूर्य पर्वत पे बोला ना, देखिए सूर्य पर्वत दो चीज देता है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा एमएनसी फॉरेन जाने का होर मचा हुआ है। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो फॉरेन वगैरह जाने का, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह से या फिर नॉर्थ से सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरे भी मून लक लाइन है, तो मेरे हस्बैंड विदेश से रहेंगे, इंडिया में तो शादी फिक्स ही नहीं हो रहा है। देखिए मून लक लाइन है, इसका मतलब नहीं कि हस्बैंड आपके विदेशी आ जाएंगे। मून लक लाइन है इट मीन्स शादी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है कि आप अननोन लोगों से शादी करें, हो सकता है आपके कल्चर से, आप मान लीजिए नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडियन से शादी हो गई, वो आपके लिए विदेशी ही है, तो लव मैरिज का भी चांसेस एक तो बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि समंदर पार ही आएंगे, हमारे देश के भी आएंगे, लेकिन आपके जान पहचान में नहीं होंगे, या आपके जान पहचान में भी हो जाए
जाएंगे लेकिन आप दोनों शादी के बाद दूर चले जाएंगे, अपने कल्चर से दूर, इस तरह की चीजें बताता है। वही तो होता है ना कि आप एक साइन को लेके नहीं बोल सकते हैं कि क्या है नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं मैम, मेरे हाथ पे सूर्य पर्वत पे मंगल तक है, मेरा हाथ में सूर्य पर्वत से मंगल तक धनुष का साइन है, अच्छा है, केतु पर्वत पे मंदिर का साइन है और मछली का भी, तो क्या फल होता है? देखिए केतु पे अगर मछली मंदिर है, एक तो स्पिरिचुअल आप हैं, बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लिए हैं और आपको ऑनलाइन काम में आपको सक्सेस मिलेगा, आध्यात्मिक रहिए, धार्मिक रहिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जो आपके काम दादा कर रहे हैं उस काम को आगे करिए, थोड़ा उनको फॉलो कीजिए, वो क्या करते थे रूटीन वाइज भी किसी तरह से। मैम राहु माउंट पर कछुए के साइन का सडन लाभ होता है, ये सब स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी सफलता देती है, ठीक है, रहने देते हैं। बस ऐसे ही आप लोग सवाल करते रहे और मैं आपके सवाल का जवाब देते रहूंगी, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।